नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप यूज करके ड्रीम इलेवन में रैंक वन ला सकते हो। ड्रीम इलेवन में आप एक ग्रैंड लीग जीत सकते हो। जी हाँ, वो जो ट्रिक है मैं बताता हूँ कि दोस्तों, अब आप यहाँ अपने ड्रीम इलेवन, अगर आप ड्रीम मैच लगाते हैं, ड्रीम इलेवन टीम बनाते हैं, तो इसमें आप अपनी एक अच्छी सी टीम बना सकते हो एआई को यूज करके। जी हाँ, ड्रीम इलेवन में एआई को यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं टीम। वो कैसे आप क्रिएट करेंगे, इसका फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ साथ दोस्तों, अगर आप ड्रीम इलेवन मैच लगाना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको ड्रीम इलेवन में कुछ आपको ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए होता है, उसके लिए आपको मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल से। आपको लाइन अप आउट होने के बाद वहाँ पे आप सटीक प्रेडिक्शन मिलती है, सटीक आपको टीम मिलती है। अब बात करें दोस्तों, आप एआई के थ्रू टीम कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आप जो है टीम बनाने के लिए ज़्यादा उतना ट्रिक आपको नहीं पता है, तो आप एआई के थ्रू टीम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए दोस्तों करना क्या होगा, सिंपल ट्रिक है। आपको यहाँ पे एक ऐप, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना है, एडवांस क्रिकेट का। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से भी आप जाके इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कैसे आपको एआई के थ्रू टीम बनाना है। तो यहाँ पे इस ऐप को ओपन कर लेना है, एडवांस क्रिकेट ऐप को। यहाँ पे जो भी मैच हो रहा है, जैसे लाइनअप आउट होता है, उसके बाद ये प्रोसेस करता है। यहाँ पे उस मैच को, जैसे डीसी एसआरएच का मैच है, इसमें हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं, एडवांस रिपोर्ट का, एडवांस रिकॉर्ड्स का। इस पर आपको सिंपल करना क्या है, टैप। तो यहाँ भी आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की साइड एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये देख सकते हैं आप, जनरेट एआई टीम्स का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल आपको करना क्या है, इस वाले जनरेट एआई टीम्स से आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपके जो प्लेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, सारे प्लेयर्स हैं। इसमें से आप प्लस माइनस भी आप कर सकते हो, तो किस भी ऐप पर टीम क्रिएट करना है इसके आगे हम बताते हैं। यहाँ पे फिर से एक जनरेट एआई टीम का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, सिंपल इस पर फिर से आपको टाइप करना है। चलिए टाइप करके दिखाते हैं, देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे हमने सारे जो टीम्स हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे सर्च मोड टीम पे जाना है, तो आप वहाँ पे सर्च मोड टीम पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप इसी टीम को क्रिएट करके इसको आपको मैच लगा सकते हैं, टीम जो प्लेइंग इलेवन बनाएंगे इससे आप अपने कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, सिलेक्ट मोर टीम्स क्लिक करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट मोर टीम्स आप जा सके। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, देखिए इसमें आपको ट्रेबिसेट, मैगर्क, इस तरह के प्लेयर मिल रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी टीम यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे और भी प्लेयर आपको ऐप मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसमें आप सर्च पर क्लिक करके बैटिंग फ्रेंडली टीम चाहते हैं तो बैटिंग फ्रेंडली टीम मिल जाएगा, या आप अगर चाहते हो बॉलिंग फ्रेंडली तो बॉलिंग फ्रेंडली मैच मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत ही ईजिली स्टेप्स आपको बताया है कि आप कैसे ड्रीम इलेवन पे एआई की टीम बनाकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और मैच खेल सकते हैं, ड्रीम इलेवन में रैंक वन ला सकते हैं।